वही खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर ज्वेलरी की दुकान में चोरों ने शटर तोड़ तक के चोरी की घटना को अंजाम दे दिया है। रामगढ़ पचवारा पुलिस ने 12 घंटे के अंदर चोरी के मुलजिमों को गिरफ्तार भी कर लिया। रामगढ़ पचवारा बस स्टैंड स्थित ज्वेलरी की दुकान में चोरों ने शटर तोड़ करके चोरी की घटना को अंजाम दिया, तो वहीं ज्वेलरी की दुकान से चोरों ने 1.5 लाख के आभूषणों को चुराने का मामला सामने आया। पुलिस को गश्त के दौरान चोरी की सूचना मिली। पुलिस ने चोरों का पीछा कर ज्वेलरी की दुकान से चोरी के मुलजिमों को दबोच लिया। थानाधिकारी सुभाष चंद शर्मा टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और रात्रि पुलिस गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल रोहिताश यादव, सुनील कुमार, वीरेंद्र सिंह व हीरालाल ने चोरी के मुलजिमों को दबोचा। ज्वेलरी चोरी के मुलजिमों को पुलिस रामगढ़ पचवारा थाने लेकर के आई है, तो ज्वेलरी चोरों से रामगढ़ पचवारा पुलिस पूछताछ कर रही है। गत रात्रि को मैंने दुकान भटक ही गया था घर, उसके दौरान रात को मेरी शर्ट तोड़ के और माल पार हो गया 1.5 लाख रुपये करीबन। पुलिस में जब इंफॉर्मेशन हुआ तो गश्त के दौरान इन्होंने उसको पकड़ लिया और 12 घंटे में चोरी बरामद कर दी। आपका नाम? मेघराज सोनी, स्नो बद्रीनारायण। आज रात को करीब 1:30 बजे मेघराज सोनी की दुकान रामगढ़ बचवारा में है, उसके चोरों ने कुछ ताड़े तोड़ लिए और करीब 1.5 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। इसकी सूचना मिलने पर जो पुलिस का गश्ती दल था उसने सतर्कता से चारों तरफ चेकिंग करना शुरू किया। नयावास गांव के पास सड़क किनारे 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल के पास बैठे थे, जिनको देखकर पुलिस ने चेक करना चाहा तो वो पुलिस को देखकर भाग गए। जिनको आसपास नाकाबंदी और घेराबंदी करके रोका, उन्होंने ये चोरी की वारदात करने कबूल किया है, जिनमें सुरेश और एक अजीत कालवेलिया हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया है। इनके साथ एक बालक जिसका नाम राज है उसे भी निरुद्ध किया गया है। मामले की जांच चल रही है। क्या चोरी का खुलासा हो गया? हाँ, चोरी का खुलासा हो गया। इन लोगों ने चोरी की वारदात करना स्वीकार कर लिया है। थैंक यू।